फ्रेंड्स, गार्डन में कुछ नए पौधे ऐड किए हैं, कुछ खूबसूरत रंग बिरंगे पत्तों वाले और कुछ फूलों वाले, कुछ सस्ते और कुछ महंगे। सभी पौधे परमानेंट हैं जो मेरी विश लिस्ट में थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपनी प्लांट शॉपिंग शेयर करूंगी। सभी पौधे मैंने लोकल नर्सरी से बाय करे हैं और जितने भी पौधे मैंने बाय करे हैं ये सभी परमानेंट प्लांट्स हैं। इनमें से कुछ बड़ी रेयर इंडोर वेराइटीज़ भी हैं और कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिनका अभी ग्रोइंग पीरियड जो है वो चल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में अपने प्लांट्स के साथ उनके प्राइस भी शेयर करूंगी ताकि अगर आप कभी नर्सरी जाकर प्लांट्स शॉपिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये पौधे जो हैं वो किस कॉस्ट में हैं। सम टाइम हो सकता है कि आपकी सिटी में ये पौधे कुछ सस्ते दामों में भी मिल रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ पर पौधे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। स्पेशली जो इनडोर वेराइटीज़ हैं वो काफ़ी कॉस्टली दामों में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन मैं आप सबसे अपने प्लांट्स और उनके प्राइस जो है वो शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, प्लांट लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है एग्लोनीमा का प्लांट। एग्लोनीमा की मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं लेकिन ये वाली वेराइटी जो थी वो ख़राब हो चुकी हुई थी। एग्लोनीमा भी बहुत ही हार्डी इंडोर प्लांट आते हैं लेकिन ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। नर्सरी वाले भैया ने ये पौधा मुझे 250 रुपये में दिया और बेस्ट पार्ट ये है कि इस पौधे में एक पौधे के साथ एक पौधा अटैच में फ्री में मुझे मिला है। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो दो पौधे जो है वो मुझे मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत इनडोर वेराइटी होती है। सेमी शेड में अगर रखें तो इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को मैंने अपने गार्डन में ऐड करा हुआ है ये आप देख ही सकते हैं, ये है ब्लैक जीजी। ग्रीन वाली इसकी एक वेराइटी मेरे पास ऑलरेडी थी तो इस टाइम मुझे ब्लैक दिखी तो मैंने ब्लैक जो है वो परचेज कर ली और ये पौधा मुझे नर्सरी वाले भैया ने 300 रुपये में दिया। हालांकि पौधे की कॉस्ट कुछ ज़्यादा थी लेकिन फिर नर्सरी वाले भैया ने मुझे ये टोटलिटी में काफ़ी जो था वो मुझे कम कर दिया। तो ये भी मेरी विश लिस्ट में था, मैंने इसको सर्च भी करा था ऑनलाइन। तो ये पौधे काफ़ी कॉस्टली भी है तो ये मुझे 300 रुपीज़ में दिया। हालांकि थोड़ा सा पौधा जो है वो इतना ज़्यादा मुझे हेल्दी नहीं लगा लेकिन फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत वेराइटी है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को मैंने अपने गार्डन में ऐड करा वो है गंधराज। गंधराज बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इनमें काफ़ी सुगंध होती है। तो इसको भी मैंने अपने गार्डन में ऐड करा हुआ है और इसकी कॉस्ट जो है फ्रेंड्स वो मुझे 200 पीस में नर्सरी वाले भैया ने दिए। है तो कॉस्टली बट हमारे यहाँ पौधे बहुत ही कॉस्टली रेंज में आते हैं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत समर की फ्लावरिंग वेराइटी है। फ्रेंड्स, अगला जो खूबसूरत पौधा आप देख रहे हैं ये भी एग्लोनीमा की ही एक वेराइटी है और इसको भी मैंने बाय कर लिया और ये पौधा भी मुझे 200 रुपीज़ में पड़ा। काफ़ी हेल्दी प्लांट था और इसके साथ भी एक पौधा जो था वो फ्री में अटैच था। तो ये भी पौधा बहुत ही खूबसूरत वेराइटी होती है। अगर आप भी कभी नर्सरी में जाएँ तो इस तरह के इनडोर रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये एंथोरियम की वेराइटी, ये इनडोर फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। और ये जितने भी पौधे शेयर कर रही हूँ सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं और हर नर्सरी में ये पौधे आपको कॉस्टली ही दिखेंगे। 200-250 की रेंज से भी ये ऊपर होते हैं पौधे बट बहुत ही खूबसूरत ये पौधे होते हैं। तो इंडोर में अगर रखें तो काफ़ी ये कलर और ग्रीनरी ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए ये वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। तो ये पौधा भी उन्होंने मुझे 300 रुपीज़ का दिया। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक फाइलोडेंड्रॉन की वेराइटी है और हल्का सा ये बड़े छोटे पॉट में लगा हुआ है जिसके कारण ये एक साइड लुढ़क रहा है। तो ये है फाइलोडेंड्रॉन वाइट कांगो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत वेराइटी होती है फ्रेंड्स। तो ये भी मुझे दिखी तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया और ये पौधा भी उन्होंने मुझे 250 रुपये में दिया। थोड़ा सा छोटा था और लुढ़क रहा था तो मैंने उनको बोला कि ये कहीं टूट ना जाए, तो फिर उसकी वजह से ये पौधा मुझे उन्होंने 250 रुपये में दिया। और मैंने दूसरी नर्सरी में भी जब पता करने में गई थी, सिंपल इतना सा ही प्लांट वो 500 रुपीज़ का दे रहे थे। तो इंडोर प्लांट्स की जितनी भी वेराइटीज़ आजकल स्पेशली आ रही हैं, जो वेराइटीज़ हैं वो कॉस्टली प्लांट्स भी होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ इंग्लिश आईवी ये मुझे उन्होंने 100 रुपीज़ का दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट होता है, काफ़ी अच्छी वेराइटी होती है छोटे छोटे पॉट्स में लगाने के लिए। तो ये भी मुझे वहाँ पर दिखा तो ये भी मैंने ले लिया। तो ये भी स्पाइडर प्लांट के बहुत सारे पौधे जो हैं दिख रहे हैं, इनमें से एक आधी मैंने लिया था, बाकी उन्होंने इस तरह ही फ्री में मुझे डाल दी। वो क्योंकि मैं अक्सर वहाँ पर प्लांट शॉपिंग करती रहती हूँ और इस बार मेरी प्लांट शॉपिंग बड़ी भी थी तो उन्होंने मुझे कुछ एक दो पौधे इस तरह ही अपने आप से ही ऐड कर दिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी फाइलोडेंड्रॉन की वेराइटी है। इसको भी मैं प्रॉपर बाहर निकाल कर आपको बताती हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये वेराइटी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़े पॉट में ये लगा हुआ फाइलोडेंड्रॉन का प्लांट है और मॉस स्टिक के साथ ये लगा हुआ प्लांट था। तो ये अचानक मुझे दिखा तो मैंने इस पॉट को भी बाहर निकाल दिया। तो मॉस स्टिक के साथ ये लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड कर रहा है। तो ये पौधे सारे लाल मिट्टी में लगे हुए हैं तो इनको रिपोर्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ये पौधा उन्होंने मुझे 400 रुपीज़ का दिया। कॉस्टली तो मुझे भी लगा, लेकिन कुछ वेराइटीज़ ही ऐसी होती है जिनमें प्लांट्स आपको कॉस्टली ही मिलेंगे। आप चाहे किसी भी नर्सरी में पता कर लें, लेकिन ये बहुत एक खूबसूरत वेराइटी थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करूं। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारे यहाँ पर जितनी भी नर्सरीज हैं वहाँ पर मुझे कोलियस की वेराइटीज़ जो हैं वो बड़ी कम देखने को मिलती हैं। तो ये भी वैरायटी मुझे दिखी तो ये भी मैंने गार्डन में ऐड कर ली। मेरे पास इस तरह की वैरायटी कोलियस की नहीं थी तो एक दो प्लांट्स जो थे वो मैंने ले लिए। मैं और भी बताती हूँ, इसको मैंने रिपोर्ट नहीं करा हुआ था तो इसलिए मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मुझे 40 रुपीज़ का वन प्लांट जो है वो मुझे पड़ा है। और भी मैंने एक दो वेराइटीज़ अलग अलग पौधों के लिए, वो भी मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक अलग तरह की वेराइटी थी तो ये भी मुझे नर्सरी में दिखी तो ये भी 40 रुपीज़ की मुझे दिए। ये मैंने रिपोर्ट कर दिया हुआ था क्योंकि ये पौधा आगे ही थोड़ा सा बड़ा ही ढलक रहा था तो मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा दूसरे गमले में डाल दूँ क्योंकि इसका पॉलिंग बैग जो था वो फट चुका हुआ था। और फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने बहुत सी कोलियस की वेराइटीज़ जो है वो जैसे जैसे मुझे मिलती जाती है मैं अपने गार्डन में ऐड करती जाती हूँ। गर्मियों में ये काफ़ी खूबसूरत रंग जो है आपके गार्डन में ऐड करते हैं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत और कम दाम में मिलने वाला पौधा होता है। और फ्रेंड्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी मैंने परचेज करे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये येलो बेल टिकोमा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। हालांकि मेरे पास था लेकिन इसमें फ्लावर्स आ रहे थे और मुझे देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो ये पौधा भी मुझे 80 रुपये में नर्सरी वाले भैया ने दिया। तो ये भी बड़ा ही सुंदर और समर फ्लावरिंग प्लांट है, पूरा साल ही ये फ्लावरिंग करता रहता है। और फ्रेंड्स, फ्लावरिंग प्लांट में मैंने अजेलिया प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड करा हुआ है। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। इसके फ्लावर्स आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे समर में बने रहते हैं और इनको लगाने के लिए बड़े बड़े पॉट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पौधा भी उन्होंने मुझे 150 रुपये में ये पौधा जो है वो मुझे दिया। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसे जट्रोफा प्लांट कहा जाता है। तो ये वाला पौधा भी मुझे उन्होंने 150 रुपये में दिया। ये भी बड़ा ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, आप एक बार अगर इनको खरीदेंगे तो फिर ये पौधे जो हैं सालों साल चलते ही रहते हैं। इनमें बहुत ही खूबसूरत बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, इसके लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये हिबिस्कस प्लांट है तो ये पौधा भी उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ में मुझे दिया। तो ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट था फ्रेंड्स, तो ये मैं लेकर आई हूँ। अभी मेरे पास हिबिस्कस की काफ़ी वेराइटीज़ हैं तो ये थोड़ा अलग तरह का इसका फ्लावर्स था तो ये भी मैंने अपने विश लिस्ट में मैंने शामिल कर लिया। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं कुछ सीजनल प्लांट्स की सैपलिंग जो है वो भी लेके आई हूँ, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर है कुछ जीनिया के सैपलिंग छोटे छोटे और कुछ हाइब्रिड विंका के दिख रहे होंगे और कुछ सनफ्लावर्स के दिख रहे हैं आपको। और एक और मेरे पास वैरायटी, उन्होंने मुझे 5 सैपलिंग्स डाल दिए, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा तो ये मैंने ट्रे ही इनसे जो है वो ले ली। तो ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे समर फ्लावरिंग करते हैं। ये सारे जो सैपलिंग्स हैं मुझे फ्रेंड्स 10-10 रुपीज़ के ईच पौधा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये थी मेरी प्लांट्स शॉपिंग जो फ्रेंड्स मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने करी थी। और आपको इनमें से कौन से पौधे अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।